तो कश होलो उत्तराखंड, कश हमारा नेता, और कश होली विकास नीति, कश होली व्यवस्था। जड़ी कंजड़ी उ खेली भली के, जड़ी कंजड़ी उ खेली भली के, पूरी बहस करूं लो। हम लड़ते रहया बेणी, हम लड़ते रूं लो, हम लड़ते रहया भुला, हम लड़ते रूं। उत्तराखंड में गैरसैंण से 30 किलोमीटर दूर एक छोटी सी जगह है गाजियाबाद। गाजियाबाद से 4 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने पर एक गांव आता है देवपुरी। देवपुरी गांव में आजकल लोग एक आंदोलन चलाए हुए हैं सड़क की मांग को लेकर के, स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के। और ये आंदोलन इस रूप में विशिष्ट है कि लोग जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो अपने गाँव में बैठ करके आमरण अनशन कर रहे हैं, जिसमें एक वयोवृद्ध व्यक्ति रघुवीर सिंह रावत जी 5 जून से अनशन पर बैठे हुए हैं। इस गांव के निवासियों की सड़क की मांग बहुत पुरानी है। 2009 में जब भुवन चंद खंडूड़ी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 4 किलोमीटर सड़क की स्वीकृति दी। उसके बाद कांग्रेस की हरीश रावत सरकार में मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 2016 में 2 किलोमीटर और सड़क की स्वीकृति दी। लेकिन 9 साल पहले 4 किलोमीटर सड़क की स्वीकृति और 2 साल पहले 2 किलोमीटर सड़क की स्वीकृति के बावजूद आज भी दूर दूर तक सड़क नहीं है। इस गांव के बाशिंदों को पैदल चल करके काम के लिए बाजार तक पहुंचना पड़ता है। वृद्ध लोगों के लिए, बीमार लोगों के लिए, प्रसूता महिलाओं के लिए ये स्थिति बहुत ही कष्टप्रद है, और इसलिए ये ग्रामीण अपने गाँव में बैठ करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं। सरकार सत्ता की तरफ से, जो सत्ताधारी पार्टी है, उसके विधायक इसी गैरसैंण क्षेत्र के हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने आज तक जनता से बात करना गवारा नहीं किया। जनता अपने संघर्ष के दम पर सड़क के लिए डटी हुई है, लड़ रही है, जूझ रही है, और उनके संघर्ष के दम पर उनको भरोसा है कि वो अपने लिए सड़क की मांग पूरा करवाने में कामयाब होंगे, स्कूल में शिक्षकों की मांग और A&M सेंटर की मांग पूरा करवाने में कामयाब होंगे। इसलिए आपकी लड़ाई को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है, ये भरोसा आप रखिए। संघर्ष पर भरोसा रखिए, आंदोलन पर, लड़ाई पर भरोसा रखिए, और आपकी लड़ाई कामयाब होगी। हम लड़ते रहया बेणी, हम लड़ते रूं लो, हम लड़ते रहया भुला, हम लड़ते रूं।